good afternoon dear student today's topic is types of biasing circuit so four types there are four types first one fixed biasing circuit second one emitter biasing circuit fourth uh, third one voltage divider by or self by circuit fourth one collector to base by circuit okay so let's start with the first one so this is the first one fixed by circuit so the the base current is delivered from supply voltage VCC by resistor RB this type of biasing is called fixed biasing as VCC and RB are fixed quantity ठीक okay, है fixed bias circuit इसको क्यों बोल रहे हैं क्योंकि VCC और RB यहाँ पे जो है वो मेरा एक fixed quantity है ठीक है तो इसका circuit diagram मेरा इस type this is the circuit diagram ठीक है इस तरह का circuit diagram draw होगा ठीक है अब हमको इस पर कैसे फाइंड करना है इसके स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे तो ये मेरा इनपुट लूप हो गया और ये साइड मेरा आउटपुट हो गया ठीक है तो एक बार केवल हम लोग इनपुट लूप पे लगाएंगे ठीक है और आई बी का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे आउटपुट साइड में आउटपुट लूप पे केवेल लगाएंगे और वी सी सी का वैल्यू फाइंड करना मेरा एम क्या है ठीक है मेरा एम क्या है आई बी फाइंड करना और वी सी सी ठीक है वी सी सी फाइंड करना है क्यों क्योंकि जो स्टेबिलिटी फैक्टर मेरा था ठीक है ये स्टेबिलिटी फैक्टर में हमको कैसे स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करेंगे ठीक है ये वन है ये बीटा है ठीक है ये सब कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे मेन वेरिएबल क्या हो रहा है मेरा आई बी ठीक है मीन्स हमको हर जगह आई बी हम फाइंड करेंगे फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाके मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड होगा किसी भी ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट का ठीक है तो हमको मेन टर्म क्या फाइंड करना है आई बी ठीक है जो कि हमको इनपुट लूप से मिलेगा ठीक है सारे बाइसिंग सर्किट के लिए एप्लीकेबल ये ठीक है थीके? तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे केवल इन इनपुट लूप ठीक है इस इनपुट लूप पे केवल अप्लाई करेंगे ठीक है तो इनपुट लूप मेरा यहाँ से यहाँ तक है ठीक है कैसे होगा सबसे पहले क्या करेंगे वी सी सी वी सी सी इज इक्वल्स टू आई बी आर बी यहाँ से क्या करंट मेरा फ्लो कर रहा है आई बी ठीक है ये आई बी मेरा आर बी के थ्रू जा रहा है ठीक है और इस दोनों के वोल्टेज इस दोनों के बीच का वोल्टेज क्या है वी बी ए तो जस्ट हम लोग लिख देंगे वी सी सी ठीक है देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा है वी सी सी इज इक्वल्स टू आई बी इंटू आर बी प्लस वी बी ई ठीक है इससे हम आई बी फाइंड कर लेंगे तो वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी ये मेरा आई बी आ गया ठीक है so, सो जो वी बी होता है ना यहाँ देखिए ये जो वी बी है वो बेसिकली क्या होता है जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट होता है सिलिकन के लिए और जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट होता है किसके लिए जर्मेनियम के लिए ठीक है सिमिलरली हम लोग अब अप्लाई करेंगे केवीएल इन आउटपुट लूप ठीक है ये है मेरा आउटपुट लूप यहाँ देखिए ये यह आउटपुट लूप होगा तो आउटपुट लूप हम लोग इधर से ऐसे जाएंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा वी सी सी इज इक्वल्स टू आई सी आर सी प्लस इस दोनों का वोल्टेज वी सी ठीक है तो ये मेरा आउटपुट इक्वेशन हो गया अब यहाँ पे वी ई हम लोग फाइंड करेंगे वी सी ई ठीक है वी सी ई क्या हो जाएगा वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी ठीक है वी सी ई फाइंड करेंगे मेरा ये आ गया ठीक है अब हम लोग जानते हैं जनरलाइज इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है आई सी इज इक्वस टू बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा इंटू आई सी ओ ठीक है ये होता है जिसपे हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो मेरा लीकेज करेंट है रिवर्स सेचुरेशन करेंट ये मेरा नेग्लेजिबल होता है जिसके कारण ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता है बीटा आई बी ठीक है आई सी जो था वो अप्रोक्सीमेटली इक्व टू बीटा आई बी ठीक है अब स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन बीटा वन प्लस सॉरी वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी ठीक है ये मेरा फॉर्मूला हो गया स्टेबिलिटी फैक्टर का अब मेरे पास आई बी तो हमको मिल चुका है इक्वेशन वन हम आई बी ले लिए अब इस आई बी को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आई सी ठीक है तो विथ रिस्पेक्ट टू आई सी डिफरेंशिएट करेंगे <coughs> डिफ्रेंशिएट करने से हमको क्या मिलेगा ये तो सारा कांस्टेंट एक भी आईसी का टर्म नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा ओवरऑल जीरो हो जाएगा ठीक है सो द स्टेबिलिटी फैक्टर इसका क्या हो जाएगा वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस ज़ीरो दैट इज़ स्टेबिलिटी फैक्टर वन प्लस बीटा हो गया ठीक है अब हम लोग जो ट्रांजिस्टर कॉन्फिग्रेशन था उस पर हम लोग पढ़े थे कि जो बीटा का रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक तो होता है बीस से लेके कर लगभग तीन सौ तक ठीक है इतना रेंज होता है तो अगर हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि अगर बीटा फिफ्टी होगा सो दैट द स्टेबिलिटी फैक्टर इज़ फिफ्टी वन हो जाएगा मीन्स अगर बीटा हंड्रेड होगा तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा हंड्रेड एंड वन ठीक है मीन्स अभी हम क्या पढ़े यहाँ पे कि जो आई सी होगा वो क्या होगा बीटा आई बी ठीक है यहाँ देखिए यहाँ लिखा ना इक्वेशन बीटा आई बी हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये हो जाएगा तो मान लीजिए कि मेरा बीटा हम 51 ले रहे हैं तो तो फिर सी कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा जाएगा ठीक है बीटा का क्लियर हुआ ठीक है इट मीनस कि इफ अगर बीटा को हम फिफ्टी ले रहे द स्टेबिलिटी फैक्टर इज फिफ्टी वन एंड द कलेक्टर करेंट इज फिफ्टी वन टाइम्स दैट ऑफ आईसी रिवर्सुरंट hence वी कैन सी दैट स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर अ fixed बाई सर्किट इज़ वेरी हाई सो इट विल बी लिस्ट स्टेबल बाइसिंग अरेंजमेंट ठीक है जो मेरा फिक्स बाई सर्किट होता है उसका स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ही ज़्यादा फिफ्टी वन अगर हम बीटा का वैल्यू हंड्रेड लेंगे तो हंड्रेड एंड वन हो जाएगा और बेस्ट जो स्टेबिलिटी फैक्टर का आइडियल वैल्यू कितना होता है हम लोग क्या देखे थे प्रीवियस वीडियो में वन होता है ठीक है अगर वन होगा तो इट मीन्स वो परफेक्ट बाइसिंग सर्किट है ठीक है पूरा स्टेबल होगा ठीक है सेकेंड वन हम लोग देखेंगे इमीटर बाइस सर्किट इमीटर बाइस सर्किट ठीक है ये इसका सर्किट डायग्राम है इमीटर बाइस सर्किट का ठीक है हम लोग सबसे पहला काम क्या है इनपुट लूप पे केवल लगाना है फिर हम लोग क्या करेंगे आउटपुट लूप पे केवल निकालेंगे इनपुट लूप पे केवल लगाने से हमको क्या मिलेगा आई और आउटपुट लूप पे केवल लगाने से क्या मिलेगा वी सी ए ठीक है अप्लाई केवल इन इनपुट लूप ठीक है अप्लाई केवल तो वी सी सी इक्वल्स टू आई बी इंटू आर बी ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए वी सी सी इक्वल्स टू आई बी इन टू आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई इंटू आर ई ठीक है इतना हो गया ये मेरा केवल इक्वेशन हो गया इन इनपुट लूप ठीक है आई क्या होता है आई सी प्लस आई बी ठीक है जस्ट इसका वैल्यू पुट किया है तो ओवरऑल मेरा जो आई बी का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा मेरा वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई ठीक है ये इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं ठीक है थीके? फिर हम लोग सिमिलरली अप्लाई करेंगे केवल इन आउटर लूप, ठीक है आउटपुट लूप पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटपुट लूप पे केवल? क्या हो जाएगा देखिए वी सी सी प्लस टू यहाँ से आ रहा है ठीक है आई सी इन टू आर सी प्लस वी सी ई प्लस यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा है आई ई इंटू आर ई ये मेरा हो गया केवल इक्वेशन इन आउटर लूप ठीक है फिर इसको रीअरेंज करेंगे फिर मेरा फाइनल वैल्यू वी सी ई कितना आ जाएगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस बीटा प्लस वन इंटू आई बी आर बी आ जाएगा ठीक है अब स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी ठीक है, है. ये मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर है ठीक है आई बी का वैल्यू हम फाइंड कर लिए आई बी का वैल्यू हमको क्या मिला ठीक है ये मेरा आई बी का वैल्यू फाइंड कर लिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आई सी आई सी के रिस्पेक्ट पे ठीक है इसको जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है ये जो टर्म होगा उस पर मेरा डिफ्रेंशिएशन होगा ठीक है देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो गया ये टर्म कैंसिल आउट हो गया ये टर्म मेरा डिफ्रेंशिएट होगा ठीक है तो डिफरेंशिएट करके क्या आ गया आर ई अपन आर बी प्लस आर ई ठीक है डेल आई बी अपन आई सी आ गया तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे ठीक है जस्ट यहाँ पे पुट कर दिए ठीक है नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग इसको जस्ट सॉल्व करेंगे ठीक है ये माइनस देखिए यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस आर आ रई अपॉन आर बी प्लस आर ई आया है ये बाहर निकल के प्लस हो जाएगा फिर एल लेंगे फिर फाइनली इसका जो वैल्यू आएगा जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा वन प्लस बीटा इंटू वन प्लस आर बी अपॉन आर ई अपॉन वन प्लस बीटा प्लस आर बी अपॉन आर ई ये मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर का तो इस इक्वेशन से ठीक है अगर हम लोग जस्ट एज्यूम करेंगे कि आर बी अपन आर ई अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा बीटा प्लस वन प्लस बीटा से तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा तो फिर फाइनल क्या वैल्यू आ जाएगा वन प्लस बीटा आर बी अपन आर ई आर बी प्लस आर बी अपन आर ई ठीक है ये कैंसिल आउट हो गया तो मेरा सिर्फ अगर मान लीजिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि आर बी बी आर बी अपन आर ई मेरा बहुत ज़्यादा लार्ज होगा अकॉर्डिंग टू वन प्लस बीटा तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा वन प्लस बीटा आ जाएगा ठीक है अगर ठीक है कंडीशन है केस वन ठीक है ये केस वन हम लोग ले रहे हैं कि आर आर बी अपन आर ई मेरा मच ग्रेटर देन वन प्लस बीटा सेकेंड केस हम लोग क्या लेंगे केस टू इस केस को देखिए आर बी अपन आर ई इसको क्या करेंगे ये मतलब बहुत ही स्मॉल होगा वन प्लस बीटा से ठीक है तब वन प्लस बीटा से स्मॉल होगा तो फिर क्या आ जाएगा मेरा फाइनल वैल्यू ये तो कैंसल आउट हो जाएगा तो वन प्लस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा तो फाइनल मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाता है वन ठीक है तो यहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो गया वन इसलिए मेरा इमीटर बाई सर्किट जो है वो बेस्ट बाइसिंग सर्किट होता है ठीक है दस दस इमीटर बाई सर्किट कैन बी प्रोवाइड स्टेबल क्वाइंट क्यू पॉइंट इफ़ प्रॉपरली डिज़ाइन ठीक है जो इमीटर बाई सर्किट है वो मेरा बेस्ट स्टेबिलिटी फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ आइडियल स्टेबिलिटी फैक्टर वन प्रोवाइड किया ठीक है ये बहुत ही स्टेबल होता है इसका जो क्यू पॉइंट होता है वो हमेशा मिडिल पे रहता है ठीक है थर्ड वन क्या है मेरा कलेक्टर टू बाइस बेस सर्किट ठीक है कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट ठीक है एंड इम्प्रूवमेंट इन बाइस स्टेबिलिटी इज ऑप्टेड इफ़ टेपिंग फ्रॉम बेस इज़ टेकन फ्रॉम द कलेक्टर टर्मिनल इंस्टीड ऑफ फ्रॉम द कलेक्टर सप्लाई ठीक है अब हम लोग क्या कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट कैसे करेंगे पहले हम लोग जो कलेक्टर सप्लाई से ही यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे अब हम लोग क्या करेंगे कलेक्टर टर्मिनल से सप्लाई लेंगे मीन्स अब हम लोग जो बेस का बेस का कनेक्शन होगा वो यहाँ से लेंगे इस इस जगह से लेने के बजाय हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये बेसिक सर्किट हो गया मेरा कनेक्टेड टू बेस बाय सर्किट ठीक है इस केस में भी अब हम लोग क्या करेंगे अप्लाई केवियल इन इनपुट लूप इन इस इनपुट लूप पे हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे ठीक है क्या होगा वी सी सी इन इक्वल्स टू ये वाला ये यहाँ से करंट मेरा कौन सा करंट जा रहा है आई सी प्लस आई बी क्यों जा रहा है देखिए पहले क्या था कि यहाँ से मेरा आई सी सिर्फ जाता था ठीक है और यहाँ से मेरा आई बी चला जाता था लेकिन अब आई बी तो मेरा यहाँ हो रहा है तो इस जो आर सी है आर सी के थ्रू मेरा दो करेंट फ्लो करेगा आई सी प्लस आई बी और ये आई बी इधर चला जाएगा और ये आई सी मेरा इधर आ जाएगा ठीक है तो दो करंट मेरे यहाँ से फ्लो कर रहा है आर सी के थ्रू तो हम लोग उसी को लिखे आई सी प्लस आई बी इंटू आर सी प्लस आई बी इंटू आर बी प्लस वी बी ठीक है फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा आई बी क्या आ जाएगा वैल्यू वी सी सी माइनस वी बी माइनस आई सी इंटू आर सी अपन आर सी प्लस आर बी ठीक है फिर सिमिलरली हम लोग के वी एल अप्लाई करेंगे तो मेरा वी सी सी का क्या वैल्यू आएगा वी सी वी सी सी माइनस आई सी प्लस आर बी इंटू आर सी ठीक है अब स्टेबिलिटी फैक्टर तो ये होता है मेरा अब मेरा ये आई बी हमको मिल चुका है तो इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आई सी ठीक है इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए ये वाला टर्म मेरा जीरो हो जाएगा ये भी टर्म जीरो हो जाएगा ठीक है जीरो हो गया और ये टर्म मेरा क्या आ जाएगा माइनस तो आर सी अपन आर सी प्लस आर बी ठीक है इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे स्टेबिलिटी फैक्टर में ठीक है तो फाइनल जो मेरा स्टेबिलिटी का इक्वेशन आएगा वो क्या होगा वन प्लस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा आर सी अपन आर सी प्लस आर बी ठीक है यह आ जाएगा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा इक्वेशन ये आ जाएगा ठीक है इसका एडवांटेज क्या हुआ स्टेबिलिटी फैक्टर इज स्मॉलर देन बीटा प्लस वन हैंज एन इम्प्रूवमेंट इन स्टेबिलिटी इज ऑफ ओवर फिक्स बाय सर्किट ठीक है ये जो कलेक्टर टू बेस सर्किट हुआ उसमें हम लोग क्या किए कि जो सप्लाई से हम लोग जो बेस सर्किट को कनेक्ट कर रहे थे उसको क्या किए कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट किए अब कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट किए तो फिर मेरा जो इम्प्रूवमेंट स्टेबिलिटी फैक्टर जो मेरा बाइस सर्किट में बहुत ज़्यादा आ रहा था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा इम्प्रूव हो जाएगा ठीक है इसका डिसएडवांटेज क्या होगा स्टेबिलिटी फैक्टर डिपेंड्स अपॉन आर सी अब यहाँ पे देखिए इस केस में देखिए यहाँ पे आर बी अपॉन आर सी है आर बी अपॉन आर सी तो मेरा अब स्टेबिलिटी फैक्टर किस पे डिपेंड कर जा रहा है आर सी ठीक है इफ़ आर सी बिकम स्मॉलर और जीरो देन स्टेबिलिटी फैक्टर बिकम वेरी लार्ज एंड आई सी डज नॉट रिमेन स्टेबल ठीक है अगर आर सी अगर बहुत ही स्मॉल होगा तो मेरा इस्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ठीक है और आई सी मेरा स्टेबल नहीं रहेगा ठीक है सेकेंड डिसएडवाटेज क्या है रजिस्टेंस आर बी कनेक्टेड फ्रॉम कलेक्टेड टू बेस काउेज नेगेटिव फीडबैक ड्यू टू विच वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट डिक्रीज है ठीक है ये जो हम लोग कनेक्शन किए हैं बेस सर्किट को ट्रांजिस्टर uh, टर्मिनल से कलेक्टर टर्मिनल से उसके कारण क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक आ जाता है नेगेटिव फीडबैक आने के कारण जो मेरा वोल्टेज गेन होता है एम्पलीफायर का वो मेरा डिक्रीज करता है ठीक है ये तो ये बेसिक डिफे है कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट का ठीक है फोर्थ वन क्या है मेरा वोल्टेज डिवाइडर बाइस और सेल्फ बाइस सर्किट ये मेरा फोर्थ वन हो गया ठीक है अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग देखिए ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है अब यहाँ पे बेस सर्किट को क्या कर रहे हैं हम लोग वोल्ट यहाँ डिवाइड कर दे रहे आर वन एंड आर टू पर ठीक है थीके? इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट ठीक है और इसको हम लोग सेल्फ बाइस भी बोलते हैं ठीक है इसका सर्किट डाइग्राम में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है पहले हम लोग यहीं से बेस ले ले रहे थे ठीक है इस तरह का डिज़ाइन था अब इस जो बेस ले रहे थे उसको हम लोग डिवाइड कर दिए टू पार्ट पे आर वन एंड आर टू में ठीक है सो दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड बाय प्रोवाइडिंग बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन टू अ ट्रांजिस्टर सबसे बेसिक और मोस्ट वाइडली यूज होता है मेरा वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट इन दिस मैथड टू रजिस्टेंस आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज वी सी सी अनप्रोवाइडेड बाई सिंग इस केस में आर वन एंड आर टू मेरा दो रजिस्टेंस मेरे कनेक्टेड है सप्लाई के अक्रॉस ठीक है द इमीटर रजिस्टेंस आर ही प्रोवाइड स्टेबिलाईजेशन द नेम वोल्टेज डिवाइडर कम्स फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म बाई आर वन एंड आर टू ठीक है वोल्टेज डिवाइडर क्यों हो रहा है इस दोनों के कारण आर वन एंड आर टू के कारण ठीक है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर टू फॉरवर्ड बाइज द बेस मीटर जंक्शन मीन्स इस दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये मेरा बेस बेसीमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेगा दिस काउज इज द बेस करेंट एंड हैंस कलेक्टर करंट फ्लो इन द जीरो सिग्नल कंडीशन ठीक है अब जस्ट हम लोग इसको इसको जस्ट सॉल्व करेंगे ठीक है जो मेरा सर्किट है इसको जस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जस्ट इसको सॉल्व करके रीअरेंज करेंगे और सिंपल वे में इसको सर्किट को ड्रॉ करेंगे ठीक है तो हम लोग सिंपली वीसीसी दो दो सप्लाई दे दिए ठीक है यहाँ से आई वन आ रहा है यहाँ से आई टू जा रहा है ये मेरा आई बी है ठीक है ठीक है अब इस केस में देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखिए एक वी सी सी हम यहाँ अप्लाई किए एक वी सी सी यहाँ अप्प्लाई किए तो इसको हम लोग सिंपली दोनों को वी सी सी दे सकते हैं इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और इसको इस तरह से वी सी सी दे सकते हैं ठीक है जस्ट इसको इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना है सर्किट रीअरेंज कर रहे हैं रीड्रॉ कर रहे हैं ठीक है अब फिर हम लोग इस पर अब थेवनिन्स अप्लाइंग थेमस थ्योरम जस्ट अप्लाई करेंगे ठीक है तो थेमिनस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट में ठीक है अब थेमनिस थ्योरम अप्लाई करने से फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे वी टी एच एंड आर टी एच ठीक है यहाँ पे आर टी एच मेरा क्या होगा आर वन पैनल आर आर टू हो जाएगा ठीक है तो आर टी एच मेरा क्या फाइंड हो गया आर वन इंटू आर टू आर वन प्लस आर टू ठीक है और वी टी एच कैसे फाइंड करेंगे ठीक है इस इक्वेशन में देखिए वी सी सी प्लस आई वन प्लस आर वन प्लस आई वन आई आर टू ठीक है यहाँ पे जो आई है वो मेरा सेम हो जाएगा ना यहाँ पे सर्किट देखिए सेम करेंट फ्लो कर रहा है तो सेम हो जाएगा सर्किट ठीक है तो वी क्या हो जाएगा इक्व टू आई इं टू आर वन प्लस आर टू तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वी सी सी अपॉन आर वन प्लस आर टू ठीक है तो वी का क्या वैल्यू हो जाएगा आई इंटू आर टू ठीक है तो आर टू आई का वैल्यू क्या है मेरा वी सी सी अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर टू ठीक है तो फाइनली मेरा वी क्या आ जाएगा वी सी सी इन टू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू ठीक है तो इस तरह से मेरा वी आर टी एच एंड वी टी एच फाइंड हो गया तो अब हम इसको फाइनली यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करेंगे ठीक है ये मेरा आर टी एच हो गया ये वी टी एच हो गया वी टी एच का क्या वैल्यू हो गया यहाँ पे लिख देते वी सी सी इन टू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू ठीक है और आर टी एच का क्या वैल्यू हो गया था यहाँ पे देखिए आर वन इन आर टू प्लस आर टी एच का क्या वैल्यू हो गया था आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू ठीक है वी टी एच का क्या वैल्यू वी सी सी आर टू अपन आर वन प्लस आर टू ठीक है ये हो गया अब जस्ट हम लोग का फिर से वही काम करना है इनपुट से इनपुट लूप पे हम लोग के वीए लगाएंगे और आउटपुट लूप पे के वीए लगाएंगे ठीक है तो इनपुट लूप पे के वी लगाएंगे, तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वी टी एच प्लस आई बी इंटू आर टी एच प्लस ये वोल्टेज ठीक है प्लस वी बी वी बी ई प्लस इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप आई ई आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो ये आ गया ठीक है अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आई बी का क्या वैल्यू आ जाएगा आई बी का वैल्यू क्या आ जाएगा वी टी एच माइनस वी बी ई माइनस आई सी इंटू आर सी आर टी एच प्लस आर ई ठीक है यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे जो आईसी है वो हम लोग जस्ट इसके प्रीवियस देखें कि आईसी मेरा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू बीटा आई बी होता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग अप्लाई के करेंगे केवल इन आउटपुट लूप आउटपुट लूप पे देखेंगे तो वीसीसी का क्या वैल्यू आया ठीक है यहाँ पे देखिए केवल लगाते हैं आउटपुट लूप पे वी सी सी इज इक्वस टू आई सी इन आर सी प्लस इसके करॉस वोल्टेज ठीक है वी सी ई प्लस आर ई अपन आर ई आई इंटू आई ई ठीक है ये मेरा आउटपुट साइड केवियल लगा ठीक है तो इसे हम वी सी ई फाइंड करेंगे ठीक है वी सी फाइंड करेंगे तो मेरा वी सी क्या आ जाएगा वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई माइनस आई बी इंटू आर ई वी सी वी सी ही आ गया अब स्टेबिलिटी फैक्टर ये होता है ठीक है आई बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं अब इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे ठीक है अब देखिए ये मेरा आई बी का वैल्यू है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आई सी ठीक है तो ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म मेरा सिर्फ बचेगा ठीक है तो आई बी मेरा क्या आ गया माइनस आर ई प्लस माइनस आर ई अपॉन आर टी एच प्लस आर ई ठीक है तो ये मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर जस्ट अब हम लोग इसको स्टेबिलिटी इस, फैक्टर इस में यहाँ पुट करेंगे फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा फाइनल क्या वैल्यू आ जाएगा देखिए वन प्लस बीटा इन टू वन प्लस आर टी एच अपॉन आर ई डिवाइडेड बाई वन प्लस बीटा प्लस आर टी एच अपॉन आर ई ठीक है नोट दैट एस वेर बिटवीन वन फॉर स्मॉल आर टी एच अपॉन आर ई वैल्यू एंड वन प्लस बीटा फोर आर टी एच एंड आर ई बी ठीक है जो हम लोग इमीटर बाय सर्किट पे देखें कि जो मेरा आर टी एच आर टी एच अपॉन आर ई के वैल्यू पे मेरा स्टेबिलिटी फैक्टर डिपेंड कर रहा है अगर मान लीजिए कि ये मेरा बहुत ही स्मॉल होगा वन प्लस बीटा से ठीक है तो मेरा फाइनल क्या वैल्यू आ जाएगा एस इज इक्वल टू वन देगा ठीक है अगर मान लीजिए ये बहुत ही बड़ा होगा वन प्लस बीटा से तो फिर मेरा क्या होगा मीन्स अगर हम इन्फिनी लेंगे तो वन प्लस बीटा हमको वैल्यू देगा ठीक है इट प्रोवाइड एक्सीलेंट स्टेबलाइजेशन ठीक है जो सबसे बेस्ट सर्किट यूज होता है वो मेरा क्या होता है सेल्फ बाई सर्किट इसी को हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बाइ सर्किट भी बोलते हैं ठीक है थीके? अगर आर टी एच का वैल्यू हम अगर स्मॉल लेंगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर वन आएगा और अगर मान लीजिए हम आर टी एच का वैल्यू इन्फिनी लेते हैं तो वन प्लस बीटा आएगा ठीक है सो ये ओवरऑल था मेरा बाइसिंग सर्किट के बारे में आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा तो सारे इक्वेशंस को आप लोग एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिएगा मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी तो अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू